डाउडौड़ा भाई, ये लाइट वाला साथी एक बार अपने लट्ठू चाची देख ले, करे फिर मौके पर खुश हो जाए। और भी लगाने भाई, तो क्या होगा चार लट्ठू आते के काज बटन करने हमने। मैच होगा भाई, अंधेरा हो जाएगा, बढ़िया मैच होने हैं। और हमारा कैमरा में दिक्कत आ जाएगी, यदि कैमरे के सामने सही लाइट नहीं हो तो फिर फाइनल मैच हो वीडियो नहीं बन पाओगे भाई, ये समस्या है। लाइट ले लो फुल, सो दो भैया, अब जाके डिसीजन मिला। आइए सुनो, आप अपने पाले में सोनू डिसीजन लोगे, आप बात क्या कर रहे हैं? तो वो आप उनसे बात करिए, सोनू की क्या गलती है। सोनू अपने पाले में जाएगा, देखिए सोनू तो अपने पाले में जाएगा। आप बात करोगे तो ऑफिशियल से करोगे, अगर तो रेड रही है खिलाड़ी का तो झगड़े की जड़ हो जाएगी। कलाकार आशिक मारा था, बहुत ही अच्छा मुकाबला, हर मैच काटे का होगा। क्वेंटू काला और सिंहवाड़ा गांव के खाते में चला, जय भी दौड़ा। बहुत बड़े खिलाड़ी का नाम है दोस्तों, जय भी दौड़ा, बहुत ही पुराना खिलाड़ी है, लेकिन ये घायल ज्यादा रहता है। जख्मी शेर है, जख्मी शेर। ठीक है जोगिंदर जी, प्रवीण चंद अटैक करता हुआ, जैब ने डोज लगाया। धीरे धीरे अपने पाले में फिर चला कपिल सिंह, देवड़ा के पाले में कपिल सिंह, सिंहवाड़ा गौ बहुत अच्छी ट्राई शीलू देवड़ा के द्वारा, जिसको कोई भी कमेंटेटरी ये बता देता है कि ये कैचर ऐसा है, कोई हरियाणा या पंजाब में कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं जिसको कैच ना किया हो और बिजली बोर्ड में भर्ती। एलएम की पोस्ट पर आ रहा है कप्तान सिंह खट्टर, सिंहवाड़ा गांव के पाले में अहर की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है, सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। महोर जैसे पूरा जाए वो बहुत ही ताकतवर मैच होगा इस टूर्नामेंट का। महोर जैसे पूरा सिर्फ 2 मिनट का समय टीमों का, उसके बाद खड़े जाते हैं और सिंह पाथरी दोनों टीमें जल्दी मैच है भाई। सुरेश दवाल जी और शीलू ने एक और कैच की और अपनी टीम को बढ़त दिलाई, लगातार दो कैच शीलू के द्वारा, जितना छोटा उतना ही खोटा, उसका नाम है शीलू डेवड़ा। लुधियाना पंजाब में संदीप लूत्र को, जो कि 125 किलोग्राम का खिलाड़ी है, शीलू डेवड़ा ने लगातार दो कैच लगाए, बहुत नामी कैच है शीलू डेवड़ा। सुरेश दलाल जी वजन के हिसाब से बलविंदर फीडा 125 किलोग्राम वजन के साथ खेलते थे, संदीप लूत्र 125 किलो वजन के साथ खेलते हैं और एक हरियाणा का खिलाड़ी भी रहा जो 130 किलोग्राम के साथ खेला करता, प्रदीप कुमार मलिक उर्फ नीटा गांव उगरा खेड़ी, लेकिन वो नेशनल स्टाइल खेलता, सर्कल स्टाइल नहीं खेला उन्होंने। वो पहले हरियाणा पुलिस में थे, अब नॉर्दर्न रेलवे में है, यानी उत्तर भारत की जो रेल है उसमें अंबाला जोन में उनकी ड्यूटी है। डबल टच शीलू ने माना, पॉइंट मिला कपिल को, और सुरेश दलाल जी वजनदार खिलाड़ियों के बारे में मैं बताऊं, हरियाणा की सर्कल कबड्डी में सन 1985 से लेकर 1995 तक दो खिलाड़ी थे जो 130 किलोग्राम से भी ऊपर थे, पम्मी लुदास और सतीश लुदास, दोनों 130 किलोग्राम भार से ऊपर के खिलाड़ी थे। सुरेश जी बहुत ही अच्छा जंप जैबी का दोबारा, और ये है हमेशा जैबी को जाना जाता है, बिल्ली जैसा दाव, हिरण जैसी चाल, इसके पक्ष में लिखा जाता है और बहुत ही तेज तरार रनिंग होती है इनकी। चला काला सिंहवाड़ा गांव, और ये दूसरा, हाँ दूसरा क्वार्टर,
ये कैसी टेक्निक यार, टेक्निक पे टेक्निक, अभी भी फायर जारी है, अभी भी फायर जारी है, लेकिन लास्ट में रेडर सफल हुआ। इससे अगला मैच तीसरा क्वार्टर खेला जाएगा, बहु अकबरपुर वर्सेस जयसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट करनाल, और आखिरी और चौथा क्वार्टर खेला जाएगा सीख जिला पानीपत वर्सेस खरग जाटन जिला रोहतक। यह है टीमों का लेखा जोखा। कप्तान सिंह बहुत ही शानदार रेडर, अपना प्रदर्शन दोहराता हुआ, और यह चला कपिल अगेन। सिल्लू और कपिल की फाइट है दोस्तों, 70 में। यह है सिल्लू, टेक्निक कैच की सिल्लू ने, हाफ टाइम, हाफ टाइम स्कोर बता। और इस टूर्नामेंट में टोटल कितनी टीमों ने भाग लिया जोगिंदर जी बतलाएंगे? 64। और पहली चार टीमों में मेरे को लग रहा है डोला पहुंच जाएगा, यानी 60 टीमें अपने घर, पहली चार टीम टूर्नामेंट की, उत्तम चार टीम, टॉप की चार टीम। चला कपिल सिंह वाला गौ, और भाई शानदार चारों मुकाबले, आखिरी पुकार है भाई, बहु और जयसिंहपुर, जयसिंहपुर आगे, बहु आ जाए भाई, सिल्लू डोला बहुत ही अच्छी ट्राई करता है, उठाए उड़ने की कोशिश, और कपिल ने बोला छोड़ो भाई, सिल्लू डोला। इस मैच में जबकि कैचों की काउंटिंग हो रही है, काफी तेज तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और ये तीसरा रेड यूज किया है, एक रेड पहले भी लगाई थी, जुगुण ने कैच कर लिया था। खरग जाटन और सिंह, आखिरी पुकार है खरग जाटन और सिंह के लिए, उससे पहले बहु अकबरपुर पहुंच जाए, पहुंच गई। अभी मैच जो होगा जयसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट करनाल, बहु अकबरपुर डिस्ट्रिक्ट रोहतक का मैच होगा। और कप्तान सिंह खट्टर को राजा से अंक मिला, और मैच समाप्त होगा। मैं आमंत्रित करता हूं कमेंट्री के लिए श्री जोगेंद्र भोज।